नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज बिहार में। न्यूज बिहार लगातार आपको राजनीति से जोड़ रहा है। ऐसे में महासचिव जब बनी प्रियंका गांधी यूपी की, तब से राजनीतिक बयान तेज हो गया। खैर, अभी फिलहाल जब से यूपी की कमान संभाली है प्रियंका गांधी, उनके अस्तित्व को लोग भूल रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता आगामी 2019 के लोकसभा चुनाव से। खैर, राजनीति है और यहाँ लोग कब अपनी बातों से पलट जाएं कोई नहीं जानता, कोई कुछ नहीं कह सकता। आपको याद होगा कि जब अध्यक्ष बनाया गया था राहुल गांधी को कांग्रेस का, तो एवरीवन वाज सेइंग दैट प्रियंका गांधी कैन बी द बेटर ऑप्शन इन प्लेस ऑफ राहुल गांधी। लेकिन अब जब प्रियंका गांधी सक्रिय हो गई हैं, तब उनको लोग नकार रहे हैं और कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता 2019 के लोकसभा चुनाव में। ऐसे में पीके यानी कि प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि कांग्रेस 2019 के चुनाव के लिए हमारी प्रतिद्वंदी नहीं है, हमें जो टक्कर देगा वो है महागठबंधन। खैर, चलिए, पीके के इस बड़े बयान के बाद ये बात तो सिद्ध हो जाती है कि महागठबंधन से कहीं ना कहीं बिहार के एनडीए को डर है, और यही कारण है कि वो मान रहे हैं कि इस चुनाव में जो उन्हें टक्कर देगा वो कहीं ना कहीं महागठबंधन होगा। अब जहां कांग्रेस की कमान संभाली है प्रियंका गांधी और उन्हें कहा जा रहा है कि कोई फर्क नहीं पड़ता प्रियंका गांधी के सक्रिय होने से राजनीति में, तब अब क्या अगला स्टेप लेगा यूपी का गठबंधन और बिहार का गठबंधन, क्योंकि यूपी के गठबंधन से कांग्रेस को बाहर कर दिया गया है, वहीं बिहार के गठबंधन में कांग्रेस है, लेकिन कब बाहर कर दी जाए ये कांग्रेस कोई नहीं कह सकता, क्योंकि अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ है और कांग्रेस जहां 3 राज्यों में जीत कर बीजेपी का सुपड़ा साफ की है, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है और कांग्रेस खुद को बिहार के महागठबंधन में बड़े भाई की भूमिका में देख रही है और कयास लगा के बैठी है कि जब सीट शेयरिंग होगा तो उन्हें कम से कम 15 सीटें दी जाएगी। वहीं राजद भी 20 सीटों को लेकर बैठा हुआ है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस मजबूत है या कमजोर। अगर कमजोर है तो फिर क्यों लोग कह रहे थे कि प्रियंका गांधी कैन बी द बेटर ऑप्शन, और अगर महागठबंधन कमजोर है तो फिर पीके का बयान क्यों आ रहा है, और अगर महागठबंधन मजबूत है तो फिर प्रियंका गांधी क्यों नहीं मजबूत हो सकती है। आप जुड़े रहे भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, हम आपको पल पल अपडेट्स देते रहेंगे और जोड़े रखेंगे भारत के साथ बिहार की राजनीति से। धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।